Hello my dear students, welcome back to Balaji online classes. I am Sadia Khatun and today I'll be teaching you mathematics of class 8. I'll be teaching chapter number 8 today and the name of the chapter is comparing quantities. So let's get started. We are going to study chapter number 8 and the name is comparing quantities. In this chapter you will study about ratio, percentages and wherever percentages are used, like in profit and loss, then in simple interest, compound interest. These all things you will study in this chapter. So let's recall about percentages. Kya hota tha jab bhi aap se suppose kaha jata tha 20% of कुछ नंबर निकालना है, like 20% of 50 आपको निकालना है. So how are you going to calculate 20 upon 100 इंटू 50. इस तरह से हम लोग निकालते थे. अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे और 2 5s are 10. तो इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है. तो अब जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें लिखा होगा लाइक एग्जाम्पल के तौर पर, लाइक अगर आपको दिया गया है कि इतने नंबर, इतने परसेंटेज ऑफ मैन है, इतने परसेंटेज ऑफ वेमेन है और आपको बताना है कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, तो आपको क्या करना है कि जब भी कभी परसेंटेज में चीजें दी होंगी तो आप उसका पहले नंबर कैलकुलेट करेंगे. लाइक 50% ऑफ कुछ कहा गया, आप ऑफ कर करके नंबर कैलकुलेट कर लेंगे. अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल है सपोज 500 और आपसे कहा जाए 50% मेन है, फिर 20% वेमेन है, तो आप तो इस तरह से आप क्या करेंगे, नंबर्स कैलकुलेट करते जाते हैं. अगर आपको कभी निकालना होता है कि परसेंटेज दिया है और आपको नंबर ऑफ पीपल निकालना है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको पूरा, आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है परसेंटेज की. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है डिस्काउंट के ऊपर. तो डिस्काउंट में भी हम लोगों का एक तरह का एप्लीकेशन है परसेंटेज का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज अगर कहा जाए कि जो मार्क्ड प्राइस है वो 110 रुपीज है और जो कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, तो क्या करेंगे, जब भी कभी डिस्काउंट की बात होती है वी सब्ट्रैक्ट. ठीक, तो अगर 20% डिस्काउंट है तो आप कहेंगे 20% ऑफ 110 आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक, 20 upon 100 into 110. अब नेक्स्ट विल बी 20% ऑफ 110 इज 22 रुपीज. ओके, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, आप जो मार्क प्राइस है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 22. डिस्काउंट के केस में हमेशा हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होता है और फिर हम लोगों को आंसर निकालना होता है. इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है वैट. वैट जो होता है वो टैक्स लगता है, किसी भी तरह का टैक्स हो सकता है, वो सेल्स टैक्स हो सकता है, वैट हो सकता है, वो जीएसटी हो सकता है. ये जितने भी टैक्सेस लगते हैं ये हमेशा ऐड किए जाते हैं. जो भी आपका प्राइस होगा, मार्क्ड प्राइस होगा, उसमें से आप, उसमें आप प्लस करेंगे वैट को, वैट या जीएसटी जो भी लगा हुआ है. आपके सिलेबस में वैट है तो आप वैट का जितना भी कैलकुलेट करेंगे, जितना भी परसेंटेज लगा हुआ होगा मार्क्ड प्राइस पर, वो ऐड किया जाएगा. दिस इज जस्ट टू टेल यू कि डिस्काउंट में वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस और वैट में वी ऑलवेज एड टू द मार्क्ड प्राइस. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी एंड लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. सिमिलरली अगर आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. इसी तरह कभी अगर आपको एसपी निकालना होगा तो आप वाइस वर्सा इधर ट्रांसपोज करके निकाल सकते हैं. लाइक अगर आपको एसपी निकालना है और आपको सीपी पता है तो आप सीपी प्लस प्रॉफिट से निकाल सकते हैं. इसी तरह अगर आपको एसपी निकालना है तो आप सीपी माइनस लॉस से निकाल सकते हैं. तो ये आप फॉर्मूले इन्हीं, अगर आप ये याद रखेंगे, इफ यू रिमेम्बर दीज टू फॉर्मूले, देन यू कैन ट्रांसपोज एंड गेट फर्दर द नेक्स्ट फॉर्मूला. चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग प्रिंसिपल रेट एंड टाइम डिवाइडेड बाय 100. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप टू, देर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. वन इज विदाउट फॉर्मूला एंड द अदर वन इज यूजिंग द फॉर्मूला. When you don't, when you are not using the formula, then you have to calculate it step by step. अगर कहा गया है कि first year का निकालिए तो आप पहले first year का निकालेंगे, उसके बाद जो भी amount निकल कर आएगा वो amount आप carry forward करेंगे second year के लिए. ठीक, जैसे आपने एक बार अगर इस formula से निकाला तो first year का वो निकल कर आया. उसके बाद अगर आपसे कहा गया end of 2 years में निकालो, तो अब यहां से जो interest निकलेगा वो, जो amount निकलेगा वो आप आगे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बना देंगे. इस तरह से ईयर बाय ईयर निकलता रहता है. अगर कभी कहा जाए कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
ठीक, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स कि यू विल यूज टाइम इज इक्वल टू 1/2 years, ठीक, मतलब हाफ ईयर की तरह उसको यूज करेंगे तब जाके कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकलेगा। तो अगर आपसे कहा जाता है कि 1 year का निकालिए, एनुअली निकालिए, एट द एंड ऑफ 1 year निकालना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगाया गया है, दैट मीन्स कि आप इसको 2 times निकालेंगे, हाफ ईयर का फर्स्ट हाफ ईयर का, फिर सेकेंड हाफ ईयर का निकालकर 1/2 रखना होगा। बट अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू p 1+r/100 टू दी पार एन, ठीक। अब आप देखिए, पी इज द प्रिंसिपल, देन आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये जो पार में एन लगा हुआ है, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, और ए क्या है, ए इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द, जब भी आपसे जितने भी ईयर्स के एंड में कहा जाएगा, उस वजह से मैंने ए एन लिख दिया है, ठीक है। सो So children, this was it. I have explained to you all the topics, all the concepts included in this chapter. I hope you have understood everything. If there is any doubt or any confusion, you can clear it out in the live class. And the notes of this chapter will be provided on School Mitra app. You can go and download it from there and complete your work. And do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.